आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट की तरफ से आ चुकी साल 2022 की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 2700 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ साथ पोस्ट नेम भी आ चुका है, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और बाकी जितनी भी जानकारी नोटिफिकेशन में मेंशन करी गई है आपको आगे दी जाएंगी। अगर आप सभी का सपना है हाई कोर्ट को ज्वाइन करके साल 2022 के अंदर क्लर्क या फिर असिस्टेंट जैसे पदों पर सिलेक्शन पाकर जॉब पाने का, तो आप सभी लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखेगा। अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट है 22 सितंबर 2022 की आखिरी डेट है आवेदन करने की, यानी कि आपके पास अभी आवेदन करने के लिए काफ़ी टाइम बचा हुआ है। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, 5/8/2022 के दिन का नोटिफिकेशन यानी कि 5 अगस्त के दिन ही नोटिफिकेशन आउट किया गया है। हिंदी में पोस्ट नेम है, आपको इंग्लिश में बताई जाएंगी। देखिए, कनिष्ठ न्यायिक सहायक की, कनिष्ठ सहायक की तथा लिपिक ग्रेड द्वितीय यानी कि क्लर्क की पोस्टें हैं, सहायक यानी असिस्टेंट की पोस्टें हैं। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पे परीक्षा 2022 के लिए ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली है। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में नेम दिखाना चाहूँ तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी मिल जाएंगी, क्लर्क ग्रेड सेकेंड की वैकेंसी मिल जाएंगी, जिनके लिए वेतन आपको यहाँ पे 20,800 से 65,900 रुपये तक दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 वर्ष तक आपको फिक्स 14,600 रुपये दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पहले ये दिया जाएगा 2 साल तक हर महीने, और इसके बाद लेवल 5 में 2 साल के बाद आपको 20,800 से 65,900 रुपये का वेतन दिया जाएगा। तो वेतन के बारे में जानकारी मिल चुकी है, अभी हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी मिलेंगी। स्टार्टिंग में देखें, जनरल कैटेगरी है EWS, नया कोटा, SC, ST, OBC और यहाँ पे MBC और शहरिया क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। जो यहाँ पे आपको कनिष्ठ न्यायिक सहायक की वैकेंसी है, इसके अंदर 320 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा किसमें हैं, कैसे आप आवेदन करेंगे इसके बारे में बताएंगे। लिपिक ग्रेड सेकेंड के लिए 4 ही पोस्टें हैं और कनिष्ठ सहायक के लिए 18 पोस्टें हैं। इसके बाद यहाँ पे लिपिक ग्रेड सेकेंड के अंदर 1985 टोटल नंबर वैकेंसी हैं। इसके अंदर आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 738, EWS के लिए 228, SC के लिए 315, ST के लिए 249, OBC के लिए 337 और बाकी जो शहरी वगैरह हैं 9, MBC के लिए 109, इस तरह से टोटल 1985 यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, कुछ वैकेंसी यहाँ पे भी रखी गई हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कब से लेकर कब तक करेंगे, तो देखिए 22/8/2022 सोमवार को दोपहर 1 बजे से, यानी 22 अगस्त सोमवार दोपहर 1 बजे से आखिरी डेट है। 22/9/2022 22 सितंबर के शाम को 5 बजे गुरुवार का दिन रहेगा, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो यहां पे परीक्षा शुल्क है वो भी सबमिट करने की डेट यहां पे आपको थोड़ा सा एक दिन ज्यादा की देखने को मिलेगी, 23 सितंबर तक आप लोग रात के 12 बजे तक सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऑनलाइन आवेदन आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय की प्रतीक्षा किए बिना यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें, यानी कि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो आप लोग बिना किसी दिक्कत के जितना जल्दी हो सके आवेदन करें, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। जितना जल्दी आप लोग आवेदन कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, एज के बारे में और सिलेक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा।
दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पे आपको 2756 नंबर वैकेंसी के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। इन वैकेंसीज के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं पास है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बाकी ग्रेजुएट हैं तो अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग चाहें तो भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए तो देख सकते हैं 18 से लेकर 40 साल की उम्र होगी तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही करना होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। इसके अलावा जो भी जानकारी है वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। इसके अलावा आप लोग गूगल पे जाएंगे और कभी भी आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड सिलेबस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो गूगल पे जाके आपको बस टाइप करना है sarkaririzalt.ooo, यानी कि सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद आपको 3 O लिखने हैं OOO और इसके बाद आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस वैकेंसी के साथ साथ आने वाली लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जितनी भी अपडेट्स होती हैं सारी की सारी अपडेट्स इस वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है, डिफेंस जॉब का, रिजल्ट का सेक्शन है, साथ में यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सारी की सारी चीज़ों की मिल जाया करेंगी। बस आपको गूगल पे जाके sarkaririzalt.ooo टाइप करना है, आप लोग इस पेज पे आसानी से आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे आना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाई कोर्ट वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉरम आ चुके हैं 2022 के लिए। अधिक जानकारी के लिए जैसे कि मैंने बताया आप लोग sarkaririzalt.ooo पे जा सकते हैं, गूगल पे टाइप कर सकते हैं, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। एक बार आप लोग जरूर विजिट करें। यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल है जहाँ पे आपको 2756 नंबर वैकेंसी मिलने वाली है। तीन यहाँ पे आपको तीन तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टें मिलेंगी, क्लर्क की, जूनियर असिस्टेंट की और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और वैकेंसी मिलेंगी। यहां पे आपको 28 अगस्त से लेकर 22 सितंबर 2022 तक आवेदन करने का समय दिया गया है। इसके लिए आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहां पे मेंशन नहीं किया गया है, इसके बारे में आपको sarkaririzalt.ooo पे जानकारी मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहां देखिए हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी है उसके लिए आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वेतन यहां पे आपको बता दिया गया है, स्टार्टिंग में फिक्स है 14,600, इसके बाद आपको 20,800 रुपए से लेके लगभग 65,000 से भी ज्यादा यहां पे पर मंथ का वेतन देखने को मिलेगा, जो कि हाई कोर्ट के रूल के हिसाब से होने वाला है। इसके बाद आपका एजुकेशन है, 10th पास हैं, 12th पास हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएट हैं तो अलग अलग पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। 22 सितंबर आपको याद रखना है आखिरी डेट है आवेदन करने की, आपको इस डेट तक कैसे भी करके आवेदन फिल कर देने हैं। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का, डाउनलोड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का। लेकिन आपको एक बार sarkaririzalt.ooo पे जरूर चला जाना है ताकि वहाँ पे आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।